दोस्तों 1962 के इंडो चाइना वॉर के दौरान जब नाथुला और चोला में इंडिया और चाइनीज साइड्स का क्लैश हुआ, तब सिक्किम की स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस का रियलाइजेशन और ज्यादा हुआ। सिक्किम नेपाल और भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है और साथ ही इंडिया के सेंसिटिव चिकन नेक कॉरिडोर के भी काफी पास है। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्ट्रैटेजिकली इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करने के बाद भी सिक्किम में रेलवे लाइन थी ही नहीं। पर अब फाइनली 2023 में सिक्किम को अपनी पहली रेलवे लाइन मिलने जा रही है, जिसका नाम है सिवोक रांगपो रेलवे लाइन, जिसकी टोटल लेंथ है 44.96 किलोमीटर और इसमें 14 टनल्स और 5 रेलवे स्टेशन होंगे। इस प्रोजेक्ट की टोटल एंटीसिपेटेड कॉस्ट ₹4,085 करोड़ है। इस प्रोजेक्ट से सिक्किम की कनेक्टिविटी को सशक्त किया जा सकेगा और साथ ही चिकन नेक की सेंसिटिविटी को भी स्टेबलाइज करने में हेल्प मिलेगी। दोस्तों आपके अकॉर्डिंग वो कौन सा बॉर्डर स्टेट है जहां पर इंडियन गवर्नमेंट को अर्जेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की नीड है?